नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको किस तरह का कार्य करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच में चल रहे गिले शिकवे दूर होने वाले हैं। अपनी मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम भी सामने आएंगे और विद्यार्थियों को नौकरी से संबंधित किसी भी इंटरव्यू में भी सफलता मिलने का योग बन रहे हैं। पारिवारिक मसले में सुलझाने से आप अपना भी उचित योगदान अवश्य दें। दोस्तों के साथ में तथा व्यर्थ के कार्य में समय नष्ट ना करें। छोटी से छोटी बातों पर तनाव लेने से परहेज रखें। आज व्यक्तिगत कार्यों की वजह से कार्यस्थल पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना भी जरूरी होंगे। नौकरी में से नई संभावनाएं मिलने की भी उम्मीद है। घर में से व्यवस्था उचित बनी रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना भी रखना जरूरी होंगे। शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहने वाले हैं। कभी कभी नकारात्मक विचार उपजने से मन परेशान भी रह सकते हैं। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं हरा। और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 6। परिवार के व्यक्तियों के साथ में मतभेद को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा ही की जाएंगे, जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही सभी को साथ में अपना संवाद भी ठीक से बना रहेंगे। आपके विचारों में क्लैरिटी को भी मन में शांति बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक बातों में भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण साबित होंगे। अपनी कला का उचित उपयोग करके ही अपने कार्य को बेहतरीन आप बना सकते हैं। पार्टनर के साथ में भावनात्मक स्वरूप से जुड़ने और जुड़े रहने का भी कोशिश करनी होगी। कमर और पीठ का भी दर्द भी सेहत का भी तरफ से नजरअंदाज करने से वजह से भी हो सकते हैं। और आज पारिवारिक विवाद में से न्यायालय में से अटका मामला दुखी कर सकते हैं। ज्योतिषी वर्ग में से के लिए संयम को धारण किए रखने का भी दिन है। कोशिश कीजिए कि लोगों के कारण आक्रमण ही उलझे नहीं और गणेश भगवान को गुड़ चढ़ाएंगे तो सारी समस्या भी दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से कंधे की कमीशन और एजेंट को काम करते समय धन में अटका परेशान कर सकते हैं। विवाद से पड़ेंगे तो हानि भी उठानी पड़ सकती है। अपना मनोबल को गिरने ना दे, बटुक भैरव का दूध चढ़ाए। और आज सलाहकारों के लिए भी अधिक अनुकूलता भी रह सकती है। पशु चारे के कारोबारियों के लिए मामला लाभ रह सकते हैं। गले का दर्द भी रह सकते हैं। हनुमान जी को लौंग वाला पान चढ़ाएं। सफाई के ठेकेदारों के लिए सब सरकारी पक्ष अनुकूल रह सकते हैं। सरकारी संस्थाओं के लिए स्थिति भी पक्षकारी रह सकते हैं। अपनी मानसिक अवस्था को व्यवस्थित ना होने दे, श्री विष्णु शर्तों का पाठ करें। व्यापार के विस्तार की योजना को सिरे चढ़ा सकते हैं। बाजार में बिखरा अपना पैसा इकट्ठा करने का भी आसानी रह सकते हैं। मांसपेशियों के दर्द भी कुछ मामले में राहत मिल सकती है। जल में चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य करें। ऋण लेने के मामले में अनुकूलता भी रह सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण अटका हुआ काम भी पूरा करने के दिशा में सिर खपा सकते हैं। खान पान के मामले में ज्यादा जरा सी लापरवाही भी ना बरतें और शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। और आज के दिन आपको ब्याज का धन वालों के लिए भी समय कठिन रहने वाले हैं। उम्मीद की जगह अब से पैसा आने से बाधा भी आ जाने से दुखी हो सकते हैं। जज लाइट से बचने की जरूरत होंगे। गायों को हरा चारा दें। और आज के दिन आपको वेतन भक्तों भक्तों के लिए भी मामले में कुछ अटका भी आ सकते हैं। बीमा क्षेत्र के कर्मियों के लिए भी समय धीरज के साथ काम करने का है। मानसिक शांति और दुष्ट प्रभावित भी हो सकती है। किसी भी चिकित्सा में दवा में आर्थिक सहयोग सहायता करें। और आज महिलाओं के नाम में किया गया जा रहा है
काम लाभ दे सकते हैं। रसोई के उपयोग सामने और खुदरा विक्रेताओं के लिए दिन अच्छा रह सकते हैं। सुकून की व्यवस्था में और अवस्था के भी रह सकते हैं। शनि देव के लोहे के बर्तन में काले तिल चढ़ाएं और आज के दिन किसी भी उपलब्धियां को हासिल करने में ज्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि समय के अनुसार किए गए कार्यों के परिणाम भी उचित होने वाले हैं। किसी अनुभवी सदस्य की सलाह व मार्गदर्शन भी आपके लिए बहुत अधिक सहायता रहेंगे। अत्यधिक व्यस्तता के बीच में अपने पारिवारिक तथा संबंधियों के लिए भी समय अवश्य निकालें। भावना प्रधान होने के वजह से छोटी सी नकारात्मक बात भी आपको व्यस्त भी कर सकते हैं। अपने मन की स्थिति को मजबूत बना के रखें। व्यापार की गतिविधियों को सामान्य ही रहेंगे और कोई भी नया एग्रीमेंट भी मिल सकते हैं, परंतु अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत होगी। युवा वर्ग बेहतरीन जॉब मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार भी रह सकती है। उचित माहौल बनाए रखने के परिवार के साथ में समय हंसी खुशी भी व्यतीत होने वाले हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य के सुरक्षा संबंधी नियमों का भी पालन करना जरूरी होंगे और जिन बातों की आपको तकलीफ होती है ऐसी बातों से दूरियां बना के रखना जरूरी होंगे, क्योंकि आज आप अपने मानसिक स्वरूप से कमजोर महसूस करेंगे। साथ ही किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखना भी आपके लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। सेहत से संबंधित बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी आज ना करें। काम की जगह में हो रहे संयंत्र की वजह से आपको अधिक तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए अपने काम से ही काम बनाए रखना आपके लिए भी जरूरी होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाधा डालने का भी कोशिश भी की जा सकती है। दांतों की समस्या भी तकलीफ दे सकती है और आज किसी भी उपलब्धियों को हासिल करने में ज्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि समय अनुसार किए गए कार्य को परिणाम भी उचित होते हैं। किसी अनुभवी सदस्य सलाह मार्गदर्शन को भी आपके लिए भी बहुत अधिक सहयोग रहने वाले हैं और आज के दिन आपको व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने मनोकूलता कार्य को भी समय निकालने में जिससे आपको आत्मिक सुकून महसूस करने वाले हैं और लोगों के अनुभव सलाह में से अनुसरण करना आपको कामयाबी भी मिलने वाले हैं। और आज के दिन आप सभी को विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करने का भी जरूरत होंगे और आज के दिन आप सभी को व्यस्तता के बावजूद भी अपने दिन और कार्यों में से समय निकालने में सक्षम रहने वाले हैं। इस समय फोन या कॉल तथा मीडिया संबंधी गतिविधियों द्वारा अपने संपर्कों के दायरा बढ़ाएंगे। सामाजिक स्थल पर आपको एक नई पहचान मिलने वाली है। संतान की किसी उपलब्धियां भी सुकून और खुशी रहने वाले हैं। परिवार तथा समाज के मान सम्मान भी बना रहेंगे। घर के किसी सदस्य के व्यक्तिगत परेशानी की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त भी रहने वाले हैं। इस समय कोई भी अप्रयाशित खर्चा भी सामने आ सकते हैं। अपने व्यवहार को सहज और धैर्यपूर्ण बना के रखने की जरूरत होगी। कोई भी लोन लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य कर लें। कार्य क्षेत्र में टीम बना के काम करने से बेहतर रिजल्ट मिलने या पिछले कुछ समय से आर्थिक दिक्कतों की वजह से जो रुके हुए थे आज उन्हें दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ऑफिस में कार्य में से कोई भी गलती भी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। पारिवारिक वातावरण में सुख व्यवस्थित रहेंगे। सबके साथ में घूमने फिरने डिनर आदि का भी प्रोग्राम भी बन सकते हैं और आज के दिन नियमित दिनचर्या की वजह से ब्लड प्रेशर व डायबिटीज की समस्या भी बढ़ सकती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी तुरंत संतुलित जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं। काम से